देखा रोहित भैया, रात हमने हार्दिक पांड्या को कैसे तेल लगाया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सामने दोनों भाई बारी बारी आएंगे, दोनों को तेल लगाना। अगर पहले कृणाल पांडे को लगा गया तो पांड्या को भी लगाने का मौका मिलेगा, फिर हमसे तुम तेल लगवा लेना, ठीक है फाइन। धोनी भाई साहब काहे को टेंशन लेते हो, दोनों को तेल लगाएंगे और आखिर में आपको भी लगाएंगे 28 को। फाइनल में तुम नहीं लगा पाओगे, हम आपको बादाम पिस्ते और किशमिश सब महंगी महंगी चीजों का तेल लगाएंगे, ठीक है। तुम भी खुश हो जाना, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अबे बस कर रोहित भाई, आपसे कुछ नहीं होने वाला, पहले मेरे भाई से तो जीत ले, फिर मेरे को भी तेल लगाने की बात कर लेना, मेरे से नहीं बच पाएगा। और धोनी भाई साहब फाइनल में हम ही आएंगे आपके सामने, पिछला बदला आपसे गा बजा के लेंगे, ठीक है, याद रखने का। छोड़ यार हार्दिक भैया, ये रोहित कहाँ आएगा, हम आएंगे आपके सामने 26 को, और हम आपको भी नहीं जीतने देंगे, हम जाएंगे फाइनल में और धोनी से जीतेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बोला था कि भैया धोनी से जीत के सीधा फाइनल में जगह बना लेना, अब आपकी कोई जगह नहीं बनेगी। अबे चुप करो तुम दोनों भाई, पहले तुम दोनों भाई आपस में फाइनल खेलने का सोच रहे थे, पांडे को हराकर हमने आपस में आप दोनों को लड़ाने का फैसला किया है, लेकिन रोहित भैया तुम कुछ करना, दोनों को तेल लगाओ ताकि सीधा सीधा बाहर हो जाए, जान छूटे। धोनी भाई साहब आप काय को टेंशन लेते, आपने तो पांडे को रगड़ा लगाया लेकिन वो बाहर नहीं हो पाया, ये रोहित शर्मा ना हिटमैन दोनों को बारी बारी बाहर करने वाला, तुम बैठ के तमाशा देखो, जितनी मर्जी ये टेंटें कर ले, मैं दोनों को आगे नहीं आने दूंगा, फाइनल में मैं ही आऊंगा। रोहित भैया तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसेगी, लेकिन सबर करो, आने दो, शाम के 7 बजने दो, मैच शुरू होने दो, मैच खत्म होने के बाद फिर आपसे पूछेंगे, जब आपको तेल बेल लगा के ना बाहर का रास्ता दिखाएंगे बिना टिकट, फिर पता चलेगा। कृणाल मेरे भाई, सबके भेजे में बात घुसेगी, हम घुसेड़ेंगे बारी बारी सबके भेजे में, क्योंकि हम कब से कह रहे हैं भैया पिछले साल की तरह इस साल भी हम टाइटल जीतेंगे, अब जीत के दिखाएंगे, फिर तुम लोग समझोगे। भाई ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।